माशाल्लाह नहीं चेक से भाई देर बाद इतनी दूर है वो भी घबरा गया था तो मैं जब गया उसमें जाके तो फिर आ रही उसका भी आपको दिखाएंगे बड़ा स्कूल से अब सो गया है शाम को मुझे चप्पी डाल के सोता हूँ यूं गाय मेरा खाना खा के आपसे मिलता भले रात पास में ये पर्ची है पहले ये लिख के दिया कैंसिल करके फिर ये लिख के दिया ये भी उससे रिलेटेड नहीं था फिर बाद में अच्छा जी और डॉक्टर अपने आप को जस्टिफाई कुछ इस तरह से कर रहा था कि वो सिरप का नेम हशमेट है लेकिन वो विटामिन्स के लिए है Take a shot at the enemy I'm gonna make it to the top leave a legacy If I got something to say you better let me speak Turn it up a new degree bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock electronic blow the sonic roof Bismillahirrahmanirrahim ji assalamu alaikum and welcome back to my kashi vlogs umeed karti hu aap sab log theek thak honge khush shabad honge aur bahut achi zindagi basar karoge jab ramzan ja raha hai aista 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 ja raha hai aur रोज़े बहुत कम रह गए गिनती के तीन चार रोज़े रह गए हैं पता नहीं तीन रहते हैं कि चार रहते हैं लेकिन इस रमज़ान ये बहुत मेमोरेबल रमज़ान रहेगा मेरे लिए मेरी पूरी फैमिली के लिए इस रमज़ान को हम जब दिल करेगा हम अपने व्लॉग में ओपन करके देख सकेंगे कि हमने कैसे अपने डे स्पेंड किए तो जनाब ये तो एक छोटी सी बात हो गई अब जनाब व्लॉग को करते हैं स्टार्ट आज जनाब हमने एक लेजी पेपर बनाना है साथ में हमने क्या बनाना है दही भले बनाएंगे कलेजी भी फ्रा बनाएंगे साथ में दूसरा डब बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम आपका जो मोबाइल है उसको रिपेयर करवाने के लिए जाना उसका पैनल चेंज करवाना है और मेरी बेटी की तबीयत खराब है उसके फेस पर थोड़े से ना इन्फेक्शन हो गए तो उसके लिए ना हॉस्पिटल जाएंगे एमरजेंसी में उसके लिए मेडिसिन लेने जाएंगे जनाब आपने वीडियो को स्टार्ट एंड फुल वॉच करना इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत मजा आएगा तो जनाब व्लॉग को करते हैं स्टार्ट अच्छा जी यहाँ पे आज हम बना रहे हैं कलेजी फिफड़ा फिर मैंने प्याज डाल दी नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब कुछ डाल दिए मसाले बाकी ऐसे सर डाल रहे हैं हमारे आलू हम बॉइल कर रहे हैं दही बलों के लिए तो ये दही बले हमारे माशाल्लाह से आज हमने जो गोल गोल बलियाँ होती हैं ना वो हमने तैयार की हैं दही बलियाँ यहाँ पे जनाब हमारी स्ट्रॉबेरी हमने धो के रख ली है माशाल्लाह दही बले चेक करें जरा यहाँ पे जनाब हमारा कलेजी फिफड़ा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 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 चमचा उठाओ ये देखिए जी अब ये खाएंगे रोटी ये हमारे ऊपर वालों ने भेजे हैं पकौड़े थोड़े से ये भी थोड़े से ट्राई करते हैं कैसे बने हैं सुबह स्काई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज 26वां रोज़ है सन है 26वां रोज़े की अफ्तारी करने नहीं भले आ गई 25वां रोज़ा जनाब अफ्तार की तो पता भी नहीं चलता पापा दूध देना यार जल्दी पहली दफाई मेरी बलियाँ गोल बलियाँ बनाई हैं अभी टेस्ट करके देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है जी जनाब अफ्तारी जो है वो हमने कर ली है खाना जो है कलेजी पिपे के साथ फिफड़े के साथ रोटी जो है हम आकर खाएंगे हमाद अभी तक नहीं आया हमाद आता है उसके मैंने कॉल कर ली वो कहता है मैं आता हूँ तो फिर हम लोग चलते हैं मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए और मेरी बेटी के लिए जो मेडिसिन लेनी है हॉस्पिटल से वो मेडिसिन लेकर आते हैं तो मैं उसके यहाँ तक बाय वगैरह पहनती हूँ उस माँ के साथ रेडी करती हूँ और साथ में ये गानी ने साथ जाना है तो जनाब अब चलते हैं मेडिसिन लेके आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह लाहौर की जो है ना शक्ल ही बदल गई है इतना को खूबसूरत तैयार हो गया है हर जगह हर नहर हर रोड हर गली तो नहीं कह सकते लेकिन बाहर जो मेन एरिया था इतने को खूबसूरत तैयार हो गए हैं ना मैं कहती हूँ देखकर दिल खुश हो जाता है लगता है ऐसे जैसे हम दुबई में घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम करवा रही है हर चीज़ जो है ना बिल्कुल जो है चाहे हॉस्पिटल्स हों चाहे वो क्या उसे कहते हैं थाने हों पुलिस स्टेशन हों तो जनाब सब चीज़ें जो है ना चमकती दमकती हैं लगता
पर यहाँ पर इमरजेंसी में चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम आ गए, मैं आई हूँ, हम आधा है इसका पहले मोबाइल देख के आए हैं हफी सेंटर में, पहले सही हो जाए, सही 20 मिनट में ठीक हो जाएगा। मैं तो कैसी गल तो पाई नहीं गल, और इस बच्ची को चेक करवाना है, इसके जो फेस जो है ना ये खराब हो रहा है, हाथ पे एलर्जी हो रही है, तो उसको डॉक्टर को मैं चेक करवा के आती हूँ, ठीक है ना। हैं सामान को भी ले जाओ, अभी जाके परचेज करते हैं इस बच्चे की। चलो हम आ आगे चले, एक मिनट जरा मुझे एक जरा व्यू लेने दो पूरे हॉस्पिटल का, ये लोग वहाँ पे अपनी फैमिली के लिए रातें जो गुजारते हैं साल में वो लोग बैठे हैं, वो आपका नहीं है। हाँ जी चलो गाने के लिए, तो गानिया की मौजें हैं, गाने तो पूरा लाहौर देख रही है, लाहौर देख रही है, गानिया लाहौर देख रही है। तो मेडिसिन लेकर मैं आ गई हूँ, हम आज मेरे बेटी को लेके देखें थी यहाँ पे खड़ा है, आज डेढ़ लगा दी तो कोई बात नहीं, मामू ने बच्चों के साथ बुरा, डेढ़ लगाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि किस वजह से मैं डेढ़ लगी, घर जाके बताएंगे जरा जरा हॉस्पिटल वालों ने चबले मारी है ना जोन सी, आज घर जाके जो भी यहाँ देर हो जाए वो बेहतर है क्योंकि बच्चों की तबीयत। हाँ जी ये बाबा की नहीं है, नहीं ये बाबा की है, दादा की है, मार खा लो हो गया मामी। हाँ चलो ठीक है, चलो चले दोनों अपने पॉकेट में डाल लो ना, मम्मी नहीं मोबाइल पकड़ने तो ये गाना गा रहा था, इतना ना करो हमसे प्यार, मैं क्या हुआ तेरे में चुप्पी पा दी थी, मैं की हो गया, कहना उन्हें तो मेरा साग नहीं था यार, देखे देखे कितना जुलम किया मेरे मोबाइल पे उसने यार, दिखा सीधा करके दिखा, सही है चल अल्लाह पाक पहला लग गया ना, चल ठीक है घर हम आ गए, मैं और हमाद आ गए, हम जल्दी से खाना मैं हमाद के लिए गर्म करती हूँ, फिर हम दोनों वैन में बैठ के खाना खाते हैं, और सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि मेडिसिन हमें कौन सी मिली और वहाँ पर क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो खाना गर्म करके पहले खाना खा कर खा रहे हैं, खाना कलेजी फूक रहे हैं, और हमाद भाई मजा आया भाई जाके खाना करें, ये इससे आपको पता चला मसाला हला के ना इसका इतना लगाते नहीं कलेजी का लोग, ये पूरा मैंने लगा लिया ना गनिया ना, ये देखे छोटी बुरकी है जितनी बुरकी है उससे ज्यादा साल है। तो जनाब अब हम खाना खाते हैं, इस पर जो मेडिसिन है मैं आपको भी दिखाऊंगी कौन सी मेडिसिन इसको लिख के दी और मेडिसिन के पीछे क्या स्टोरी, वो भी आपको सुनाऊंगी, तो उससे पहले खाना खा लेते हैं। और मजा आया हमारे बहन के साथ भाई घूमने का कि नहीं, मेरा तो मैं बड़ा परेशान हो गया था, मोबाइल मेरे से भाई देर बाद इतनी दूर है, वो भी घबरा गया था, तो मैं जब गया उसमें जाके तो फिर आ रही उसका भी आपको दिखाएंगे, बड़ा स्कूल से अब सो गया है शाम को मुझे चप्पी डाल के सोता हूँ मोबाइल में, खाना खा के आपसे मिलता है। जी जनाब अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ, इमरजेंसी में वहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था, उसने मेडिसिन लिख कर दी, तो मैंने ना मेडिसिन जब लेने के लिए वहीं पे बैक साइड पर फार्मेसी है, वहाँ पर मॉडल फार्मेसी उसका नाम है हॉस्पिटल में, तो वहाँ से मैं मेडिसिन लेने के लिए गई, तो जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी ना, तीन सिरप दिए, तो उन्होंने ना उसमें एक सिरप था हर्षमर्ड, जैसा कि ये लिखा है इसके ऊपर लिखा है, तो ये एक कफ सिरप है, तो मैंने ना जब देखा ना कि कफ सिरप है तो मुझे आइडिया हो गया, तो खांसी का सिरप है, तो मेरी बेटी को खांसी तो लगी नहीं हुई है, उसकी तो बॉडी पे इन्फेक्शन है फुल फेस पर, एक मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये देखें जी इस तरह से इसको खारिश सी पड़ी है, ये फेस पर आपको नजर आता होगा, ये ना इसके फुल फेस पर ना, ये देखें जी इस तरह फुल फेस पर ना इसके इस तरह का ना इन्फेक्शन हुआ है,
तो मैंने कहा चलो मैं इसकी ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अच्छी दवाई लिख देंगे, इमरजेंसी में रात को वही ओपन होगा, वहाँ से जाके दवाई ले आती हूँ। तो उस जनाब उसने पहले मुझे एक ये सिरप लिख के दे दिया, एक ये सिरप है, एक रेजिक्स है और एक ऊपर वाला ये एंटीबायोटिक कह रहा था कोई है। फिर एक उसने नीचे ये लिखा था, ये पता नहीं कौन सा, उसने फिर कैंसिल कर दिया, ये लिख दिया। एक मैंने सिरप लिखवाया था अपनी बेटी के लिए, वो ना मिट्टी खाती है, वो बिस्लरी का ही सिरप उसने लिख दिया, ठीक है। तो जब मैंने देखा ना कि कफ सिरप, मैंने फार्मेसी वाले से पूछा कि वहाँ पर कि मुझे तो कफ सिरप नहीं चाहिए, मुझे तो एलर्जी के लिए सिरप चाहिए थे क्योंकि मेरी बेटी की बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। तो उसने कहा कि ये जो डॉक्टर है इसके मम्मी ना डेली कोई ना शिकायत आती है, सही सिरप या सही दवाइयाँ वगैरह लिख के नहीं देता। फिर जनाब ये सिरप लिए, एक ये लिख के दे दिया, ये बोन्स के लिए लिखा है, पता नहीं किस पर्पज़ के लिए, ये तो मुझे पता है एलर्जी वगैरह के लिए होता है, रेजिक्स होता है। और एक ये लिख कर दिया है, तो इसकी जगह जो हशमर्ड लिखा वो सांस का वो वाला, उसकी जगह ये लिख दिया इसने, और एक ये, तो ये तीन सिरप लिख के दी हैं। तो मैंने साथ में से पूछा कि मैंने कहा आपने ये जो लिख कर दिया है ये तो मेरी बेटी को ये डिजीज ही नहीं है, खांसी तो है ही नहीं, तो आपने खांसी का क्यों लिख के दिया। डॉक्टर के पास जाके मैंने उससे पूछा, तो डॉक्टर कहता कि नहीं इस तरह के इसी नाम का एक और सिरप है, मैंने वो वाइटामिनस का था, मैंने आपको वो वाला बताया था, वो फार्मेसी वालों को नहीं पता चला। फार्मेसी वाले के नहीं, इस डॉक्टर की हमें कोई ना कोई शिकायत आती रहती है डेली। तो जनाब इस तरह मेरे तीन चार चक्कर इमरजेंसी से, उनकी जो बैक साइड है मॉडल फार्मेसी, वहाँ पर मेरे तीन चार चक्कर लगे और मैं जाके पछताई कि मैंने कहा ये लो, कल मैं किसी प्राइवेट के पास, प्राइवेट जो फार्मेसी कह रही प्राइवेट क्लिनिक्स में, मैं वहाँ पर जाके अपनी बेटी को चेक करवा लेती, लेकिन पैसे तो उतने ही लगे, वहाँ भी 1500 लगना था, यहाँ पर भी 1500 रुपया लग जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर, उनको जो डॉक्टर इमरजेंसी में बैठाया उसको खुद नहीं पता कौन सी मेडिसिन लिख कर देनी है और कौन सी नहीं लिख कर देनी है। तो अगर मैं ना देखती तो मैंने ला के उसको खांसी वाला शब्द, जो लोग नहीं पढ़ सकते जिनको नहीं आइडिया कि कौन सा सिरप उसके ऊपर क्या लिखा है, तो उन्होंने तो ला के पिला देना था। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इनको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमने कौन सा डॉक्टर बिठाया हुआ है इमरजेंसी में। तो जनाब इतना टाइम वेस्ट हुआ और काफ़ी बैड एक्सपीरियंस था चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ मेरा, और फार्मेसी वाले भी कहते हैं हम लोग बड़े परेशान हैं, हम लोग इस डॉक्टर से बड़े दुखी हैं कि ये रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह की मेडिसिन का जो होता है ना टेंशन होती है कि लोग आके के बताते हैं कि हमें डिजीज़ कोई और है, बीमारी कोई और है, और मेडिसिन डॉक्टर कोई और लिख के दे देता है। तो जनाब ये मेरा बैड एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं इसको दवाई वगैरह दी, अगर इसको कोई इससे बेनिफिट होता है ठीक है, नहीं तो इसकी मैं जो मेडिसिन है वो चेंज करूँगी और यहाँ किसी पास प्राइवेट क्लिनिक से मैं इसकी दवाई ले आऊँगी। ये तीन लिख कर दी, ये पर्ची है, पहले ये लिख के दिया कैंसिल करके, फिर ये लिख के दिया, ये भी उससे रिलेटेड नहीं था, फिर बाद में ये लिख कर दे दिया। अच्छा जी, और डॉक्टर अपने आप को जस्टिफाई कुछ इस तरह से कर रहा था कि वो सिरप का नेम हशमेड है लेकिन वो विटामिन्स के लिए। तो जनाब मुझे फार्मेसी वाले ने कहा कि कभी भी दो डिफरेंट पर्पस के लिए या दो डिफरेंट डिसीज़ के लिए जो सिरप के जो नेम है वो सेम नहीं हो सकते। वैसे भी कभी भी किसी सिरप का नेम दूसरे सिरप के साथ मैच नहीं हो सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो जनाब उसने अपने आप को जस्टिफाई कुछ ऐसे किया कि दोनों सिरप के नेम सेम है लेकिन वो एक खांसी के लिए और एक विटामिन्स के लिए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बुद्धू बनाने की उसने पूरी कोशिश की लेकिन हम लोग बुद्धू नहीं बने, लेकिन जो उसने फ़िलहाल सिरप, लेकिन ये सिरप मुझे एंटीबायोटिक ये बेहतर लगा है, अच्छा लगा है। एक ये रिजिक्स भी अच्छा है इसका, ये मुझे लग रहा था किसी और पर्पज़ के लिए, फिलहाल चलो ये भी बच्चे को दे देते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है, फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो जनाब ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था और मैंने शेयर कर दी है। अब अपनी बेटी को आज फुल डे चेक करूँगी इस मेडिसिन से, उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, अगर मिलता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं मिलता तो मेडिसिन चेंज करेंगे। तो जनाब हम हाथ का मोबाइल जो है वो भी ठीक हो गया और वो भी खुशी खुशी आज अपने ना काम पर चला जाएगा, और मेरा मोबाइल जो आज मेरे पास घर रहेगा अलीदा ही यूज़ करेगी, बाकी फ़िलहाल बच्चे इस टाइम ऊपर पढ़ने के लिए चलेंगे और बाकी अब नई इफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो जनाब व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ख़त्म, कल मिलेंगे आपके नए व्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ। हम काशिफ को अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।